हेलो बच्चा बड़ी, वेलकम टू सी एस अकेडमी। बच्चों आज के क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.4, बुक फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का नया वाला बुक को फॉलो कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर 7 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी कैलकुलस के नाम से मिलेगा। अगर फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, चलो एक नंबर क्वेश्चन है y बराबर log log x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, dy अपॉन dx, यहाँ देखिए d log log x, नीचे में क्या लिखेंगे d log x, पहले वाले log को जो दूसरा टर्म है उसको लिखेंगे। फिर इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा d log x, नीचे में कितना है dx। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x की जगह कितना है देखो log x है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/log x लिखेंगे। और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो फाइनल कितना x को पहले लिख लीजिए इनटू log x, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे इसको क्या करते हैं u इंटू dp बनाते हैं, तो गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि दोनों फंक्शन सेम है, मतलब दोनों एक ही फंक्शन है। ये log है, यहाँ पर x रहता तब इंटू कर दे, sin x रहता तब u इंटू डी होता। ठीक है ना, चलो इसका फाइनल आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 नंबर, जो भी क्वेश्चन है उसको वाई मानेंगे, कॉस एक्स अपॉन द लॉग एक्स, है ना। अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यू बाई भी, तो यू बाई भी का क्या नियम है, नीचे वाली को रेस्ट कर दो, तो लॉग एक्स को हमने करा रेस्ट, ऊपर वाली का करेंगे डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस का साइन। ठीक है, अब कॉस को करेंगे रेस्ट, रेस्ट में जो था उसको करेंगे डिफरेंशिएशन, नीचे में कितना हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब डिफरेंशिएट करते हैं लॉग एक्स, ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहां माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, नीचे क्या है हमारा लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, e वाले x को यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, सॉरी कॉमन नहीं एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, तो एलसीएम लेंगे तो इधर कितना होगा, देखो यहाँ सबसे पहली बात कि यहाँ हमारे पास x जो है x एलसीएम लिए, तो e वाला x से इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी देखो क्या है माइनस साइन, तो e वाला माइनस को पहले लिख दीजिए, फिर x लिखेंगे, फिर आपके पास कौन था साइन x को पहले लिख लीजिए इन टू में log x। ठीक है, यहां क्या बचेगा माइनस cos x, अब अट्टा में क्या बचा log x का होल स्क्वायर बचा ना जी। अब देखो ऊपर में से माइनस दोनों में है, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहां हो जाएगा x साइन x इन टू log x, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से इसका जो बट्टा को पलट देंगे, ये वाला x जो है इसके साथ हो जाएगा, नहीं तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 बट्टा पलट देंगे तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा इधर log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फाइनल आंसर माइनस x यहाँ हो गया साइन x इंटू कितना log x, अब प्लस कितना इधर से cos x। ठीक है, और नीचे में कितना हो जाएगा x इंटू दिस वन x इंटू log x का होल स्क्वायर, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, लेट y बराबर cos log x plus e to the power x, यहां देखो ये u into v नहीं है, बहुत बच्चे बच्चे इसको u into v पे बना देते हैं, नहीं cos का ये पूरा एंगल है, मैंने क्वेश्चन को समझो आराम से। ठीक है, अब चलो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ dy upon dx, यहाँ कितना जाएगा d cos, उसके बाद log x प्लस e टू दी पावर x, नीचे में क्या करेंगे d लिखेंगे, उसके बाद एंगल लिखेंगे, तो एंगल जितना है उसको लिख दीजिए, तो यहाँ रहा log x प्लस e टू दी पावर x, फिर इसको ऊपर ले जाओ तो d log x e टू दी पावर x और अपॉन कितना है इधर dx। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है चलो, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन,
माइनस साइन यहां लिखे, उसके बाद जो एंगल जैसे है इसको वैसे ही लिख दीजिए बस, है ना। अब चलो इधर डिफरेंशिएशन करना है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बट्टा एक्स और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, यही हो गया। आप आंसर इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्यों मल्टीप्लाई करना है, नहीं चाहोगे मल्टीप्लाई करने के लिए तो कोई बात नहीं, सबको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नहीं तो आंसर इतना भी लिख दीजिएगा एग्जाम में तो पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। नहीं तो अगर आंसर और लिखना है तो ये पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस वन बट्टा एक्स इंटू कितना साइन लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, फिर इसको इससे कीजिएगा तो माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू में कितना साइन लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, ठीक है, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं अगर और चेंज करना है, अब कुछ नहीं चेंज करना यार, इतना ही पर आंसर छोड़ देना है, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों आशा क्लास यहीं तक खत्म हो गया आपका, ये वाला जो एक्सरसाइज था ये हो गया फिनिश, कौन सा 5.4। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा लेक्चर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।